तो आज हम कच्ची कीवी की बहुत ही टेस्टी चटनी और सलाद बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, कुछ मिनट में ही हम इसे रेडी कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बहुत ही फटाफट से और कम से कम सामग्री में हम इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मिक्सर के एक बर्तन में हाफ कप जितनी कच्ची कीवी को छिलके निकाल के छोटे छोटे टुकड़े में कट करके हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, एक टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे, एक टीस्पून हींग और एक टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ गुड़ ऐड करेंगे, एक टेबलस्पून के अराउंड। अगर आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं या फिर बिना गुड़ और बिना चीनी के भी आप इसे बना सकते हैं। हमें मिक्सचर में इसे बिना पानी ऐड किए बहुत ही अच्छे से पीस लेना है। अगर पानी ऐड नहीं करेंगे तो आप इसे 4 से 5 दिन तक खा सकेंगे, फ्रिज में स्टोर कर सकेंगे। तो ये हमारी कच्ची कीवी की चटनी रेडी हो चुकी है। कच्ची कीवी का कचूंबर बनाने के लिए हमें यहाँ पर हाफ कप जितना किसी हुई कीवी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इसे स्किन के साथ ही किसा है, अगर आप चाहें तो इसके छिलके भी हटा सकते हैं। तो जितनी कीवी की मात्रा ले उससे आधी मात्रा में किसा हुआ प्याज ले। तो प्याज को भी हम इस तरह से छन्नी की मदद से छीन लेंगे। अगर आप चाहें तो हैंडी चॉपर में बारीक दोनों को काट भी सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे, ना के बराबर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ऐड करके 1 टेबलस्पून तेल हम इसमें ऐड करेंगे। तो सभी को हमें अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखिए हमारा कच्ची कीवी का सलाद जो है वो बनकर के रेडी है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक भी ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही वीडियो के साथ आप बने रहें। तो फिर मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय।